हाँ, तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें ना, तो माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ द कंपनी जो माना जाता है कि इसका वर्क लाइफ सबसे बेस्ट है. मतलब माइक्रोसॉफ्ट लाइफ के अगर तुम पोस्ट वगैरह भी देखते होगे, इसका CTC इन एंड अराउंड होता है 44 लाख. बट इस 44 लाख में थोड़ा सा धोखा है. 44 लाख का अगर हम ब्रेक डाउन करें तो इसका बेस सैलरी आता है अराउंड 15 लाख. तो बेस सैलरी फिफ्टीन ओके लैक्स है. अब तुम देखो कहीं तो अगर तुम किसी को बोलोगे 44 लाख आ रहा है, 44 लाख CTC है, तो सीधा डिवाइड करेगा ना 12 से, भाई 2-3 लाख रुपए आ रहा होगा, मतलब 3 लाख से ज्यादा आ रहा होगा. बट इन एक्चुअल वो बेस सैलरी है 15 लाख. तुम 15 लाख को डिवाइड करोगे तो इट्स अराउंड 1 लाख. तो बेस सैलरी और CTC का बहुत ज्यादा डिफरेंस है. इसमें और क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस. ज्वाइनिंग बोनस माइक्रोसॉफ्ट में होता है 5 लाख का, मतलब ये वन टाइम अमाउंट होती है. एंड ये तुमसे वापस भी ले ली जाती है अगर तुम 1 साल में कंपनी छोड़ देते हो. ये भी रूल्स होते हैं, अगर तुम 1 साल के बाद अच्छा कंपनी छोड़ देते हो तो जो तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस मिलता है वो वापस ले लिया जाता है. ये हर कंपनी के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी. फिर एक चीज आती है स्टॉक्स. अब ये तुम्हें CTC में इंक्लूड करके देते हैं स्टॉक्स वर्थ 28 लाख. अब पर यहाँ पे कैच है, ये 28 लाख के स्टॉक्स तुम्हें 1 साल में नहीं मिल रहे होंगे, तुम्हें 4 साल में मिल रहे होंगे. अगर तुम 4 साल उस कंपनी के साथ स्टे करते हो तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स मिल रहे होंगे. माइक्रोसॉफ्ट में जैसे 25 25 25 25 है, तो हर साल तुम्हें 25% ऑफ 28 लाख मिल रहे होंगे. बट ये ओवरऑल जो CTC बना के तुम्हें बता रहे हैं 44 लाख, तो इसमें 4 साल के स्टॉक्स जुड़े हुए हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होता है जनरली. तो ये ओवरऑल CTC ब्रेकअप है फॉर माइक्रोसॉफ्ट.